अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने कंप्यूटर पे कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे कि डाउनलोडिंग या अपलोडिंग या कोई सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो प्रोसेस में होता है, जिसने 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे या आधा घंटा टाइम लेना होता है। लेकिन हम उसी की वजह से वहाँ पास बैठे रहते हैं कि ये काम जैसे ही कंप्लीट होगा तो हम अपना जो लैपटॉप है वो शट डाउन कर देंगे तो फिर चले जाएंगे, या थोड़ी देर बाद हमें दोबारा आना पड़ता है ताकि हम अपना जो लैपटॉप है उसे शट डाउन कर दें और वापस अपने काम पे चले जाएं। तो आज मैं आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने लैपटॉप पे एक टाइम लगा सकते हैं कि ये इतनी देर बाद शट डाउन हो जाए या स्लीप में चला जाए या रिस्टार्ट हो जाए। तो वो सेटअप मैं अभी आपको रन करके दिखाता हूँ। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी मैं विंडो की एक ड्राइव से एक फाइल डिलीट करूँगा ताकि ये इंस्टॉल हो जाए। तो ये है KSM। तो चलिए ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं इसे इस्तेमाल किस तरह से करना है। ये वाइज ऑटो शट डाउन सॉफ्टवेयर का नाम है, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे इंस्टॉल कीजिए अपने लैपटॉप में, पीसी में। तो अभी मैं इसे लॉन्च करता हूँ। तो इसका कुछ इस तरह से इंटरफेस है, ये शट डाउन की कमांड है, यहाँ से रिस्टार्ट है, यहाँ से लॉग ऑफ है, यहाँ हाइबरनेट है और यहाँ पे स्लीप है। आप इनमें से कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैंने कुछ वीडियोस डाउनलोडिंग पे लगाई हुई हैं या वीडियो एडिटिंग करके उसे इम्पोर्ट कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो उसमें आधा घंटा, 45 मिनट या 1 घंटा टाइम जो है ना वो लग जाता है। तो मुझे उसी काम की वजह से इसके पास बैठना पड़ता है। तो जब से मैंने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, तो मुझे काफ़ी मदद मिली है कि मैं वो काम पे पीसी लग जाता है और मैं यहाँ से अपने दूसरे काम पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम है, ये वो टाइम है जो आपके पास तकरीबन चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। आज 16 डेट है और ये है, और यहाँ से फ्राम नाउ कि आपने यहाँ पे कितनी देर के बाद इसे बंद करना है, यहाँ पे हॉर्स में है, ये 1 घंटा और 30 मिनट है। आप इसके इस टाइम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 5 घंटे हो गए हैं। तो आप ऊपर देख सकते हैं जैसे ही हम कुछ भी डायल करते हैं, कंफर्म करते हैं, तो उसमें यहाँ पे टाइमिंग जो है वो सेट हो जाती है। तो इसके नीचे आ जाता है डेली रूटीन, तो आप इसे डेली रूटीन में ये इस्तेमाल करना चाहेंगे इतनी देर इस टाइम पे। तो हमें क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम फ्राम नौ पे नॉर्मली हमारे जितने भी काम है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप इसमें अपना मर्ज़ी का टाइम जो है वो सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद आप इसे टास्क दे देते हैं, जैसे कि मैं अभी इसे 00 डायल करता हूं और यहां पे 30 बल्कि, तो यहां पे मैं इसे जो है ना वो स्टार टास्क कर देता हूं और ये नीचे चला जाएगा हमारे टास्क बार पे। तो यहां से ओके, तो अभी मैं इसे 1 या 2 मिनट के बाद चेक करता हूं हमने तकरीबन से इसकी जो टाइमिंग सेट की है तो उसमें कितना फ़र्क आता है, ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा है या नहीं। ये देखें हमें 29 मिनट्स जो हैं वो रह गए हैं। तो अभी हम इसे फिर से एक मरतबा देखते हैं 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद देखते हैं इसका टाइम मज़ीद डाउन होता है या नहीं। तो जो सॉफ्टवेयर का लिंक है या आपने कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसे ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं और अपना काम जो है वो बहुत आसानी से सर अंजाम दे सकते हैं। अभी पूरा 1 मिनट नहीं हुआ, ये यहाँ से टाइम चल रहा है सॉफ्टवेयर पे। मेरे ख्याल से इसी के अकॉर्डिंग जो है वो अभी भी इसमें 29 मिनट है, अभी हो जाता है टाइम थोड़ी देर में, चंद सेकंड और लगेंगे इसे। ये देखें 28 मिनट रह गए हैं इसे शट डाउन होने में। तो ये इस तरह से सॉफ्टवेयर जो है वो काम करता है। आप इसे इंस्टॉल करके आप भी इससे फ़ायदा उठाइए। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।